अटैक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दुनिया भर में कहर मचा रखा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि डेल्टा के बाद ओमिक्रोन आखिर बना कैसे, लेकिन अब नए वेरिएंट ओमिक्रोन के ओरिजिन यानी यह कैसे बना है, इसे लेकर चीनी वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। चीनी शोधकर्ताओं ने एक नई स्टडी की है। इस स्टडी की अगर माने तो ओमिक्रोन की उत्पत्ति चूहों से हुई है। इस स्टडी में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस मनुष्यों से चूहों में गया और फिर कई म्यूटेशन से गुजरने के बाद ये वापस चूहों से मनुष्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के तौर पर वापस आ गया है। हालांकि ओमिक्रोन के ओरिजिन को लेकर यह पहला अनुमान नहीं है। शोधकर्ता ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर लगातार अपने नैरेटिव भी बदलते रहे हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट में ऐसी बात सामने आई है जो पहले के रोगियों के नमूनों में शायद ही कभी पाई गई हो, या अन्य वेरिएंट या उसके किसी सब वेरिएंट में पाई गई हो। इंसानों में ओमिक्रोन वेरिएंट के 5 म्यूटेशन चूहों के फेफड़ों के नमूनों में पाए गए म्यूटेशन के समान है। यह अध्ययन तियानजिन में नानकाई विश्वविद्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इन शोधकर्ताओं के अनुसार ओमिक्रोन की उत्पत्ति अज्ञात बनी हुई है, जिसमें 50 से अधिक म्यूटेशन है, जिनमें से कई पिछले वेरिएंट्स में नहीं पाए गए हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रोन की उत्पत्ति के बारे में मोटे तौर पर 3 सबसे बड़ी बात ज्यादा प्रचलित हैं। ओमिक्रोन के बारे में 3 सिद्धांत मुख्य रूप से बताए जाते हैं। पहला, वायरस एक व्यक्ति में म्यूटेंट होता है जिसकी इम्यूनिटी कुछ कम है, यानी वह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरा, ओमिक्रोन वेरिएंट उन कोविड रोगियों के बीच म्यूटेट हो रहा है जिन पर किसी का पहले ध्यान नहीं गया। और तीसरा, हो सकता है एक जानवर की प्रजाति एक मानव से संक्रमित हो जो मनुष्यों को दोबारा संक्रमित करने से पहले कई दौर के म्यूटेशन से गुजरी हो। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक ने ओमिक्रोन और उसके सब वेरिएंट के बारे में भी कई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह देश में अब ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार COVID-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोन, जिसे B11529 भी कहा जाता है, के 3 और प्रकार हैं, यानी 3 वेरिएंट और हैं, जिसमें पहला BA1, दूसरा BA2 और तीसरा BA3 है। हालांकि अभी तक देश में सिर्फ BA1 के केस ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब कई देशों में BA2 के केस भी देखने को मिल रहे हैं और ये तेजी से फैल रहे हैं। इसलिए ओमिक्रोन से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।